हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ऐसा कर तो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, उससे दुआ करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि सेटिंग वर्क में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन चाचा को ही देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और बहुत कमज़ोर भी हैं, फिर भी इन्हें काम करना पड़ता है। और हमारे क्या कहते हैं और भी भाई हैं जो काम कर रहे हैं। तो चाचा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये भाई को देख लीजिए, दोनों हथौरा से अब ये रिप को अलग कर रहे थे। तो भाई को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और भाई बहुत दुखी से काम करते हैं ये लोग, क्योंकि पूरा धूप में काम करना पड़ता है हेलमेट लगा करके, और सर में दर्द हो जाता है हेलमेट लगाने से। ज़्यादा हेलमेट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सर में हवा नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इन्हें ये काम करने का मन नहीं है। तो ये दोनों भाई हैं, उन्हीं के भाई हैं ये, और सब भाई मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं। दोनों भाई को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान है और गुस्से आ रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनसे काम हो नहीं पा रहा है। इसलिए ये जो खड़े हो गए हैं भाई ब्लू शर्ट पहन के, तो इनसे जल्दी काम हो नहीं रहा है और इन्हें जो है बहुत डांट पड़ती है, इसलिए हमेशा ये गुस्से में रहते हैं। और इन्हें कुछ भी बोलो तो ये मतलब गलत बात बोलने लग जाते हैं कि यार तुम ऐसे वैसे हो करते हो। तो क्योंकि धूप में काम करते हैं तो इन्हें तो गुस्सा आएगा ही, और किस तरह से ये काम कर रहे हैं आप लोग तो देख ही रहे हैं, जैसे किला मार रहे हैं अभी 50 mm छोड़ करके, लेकिन इनको किला लगाने तो इनको गुस्सा आ गया है और ये कुछ भी बोल रहे हैं। देखें अभी इनको ये दोनों कमरा ढकना है भाई साहब को, ये इनसे कील मारी नहीं जा रही क्योंकि अभी ये थोड़ा नए हैं, इसलिए इनसे काम नहीं हो रहा है। चलिए ये लंबी लंबी सी जग देख रहे, तो इससे पहले आपको वीडियो में बताई है मैंने कि जग क्या काम में आते हैं नहीं आते हैं, ये बोट को सही तरीके से रखने में काम आते हैं। और ये रहे हमारे भाई साहब, सारे लोग यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं इन भाई सब को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन भाई साहब का मूड बहुत ख़राब रहता है, और मतलब इनका मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा किसी को कुछ नहीं पता, बहुत अजीब सा खोया हुआ रहता है, पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं इनके बारे में, पता नहीं क्या कौन क्या कहना चाहता नहीं कहना चाहता, कुछ समझ में नहीं आता है इन्हें। और देखिए ये जब से मतलब ये एक बोर्ड अभी तक तो नहीं लगा पाए हैं, इसलिए इसे हम बोर्ड डांटते हैं। ये रस्सी लगाई गई है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक नेट लगा है, जाल लगा है, ऊपर से सामान गिरता है तो उसी जाल में गिरता, हमारे ऊपर नहीं गिरता, हमारी सेफ्टी होती है वो। और ये भाई साहब एक बड़ी सी बोर्ड को लेकर काम कर रहे हैं और इसे 600 के बोर्ड में एक कीला ठोकते जा रहे हैं ताकि इसे लगाने में आसानी हो, पहले ही कीला ठोक रहे हैं ये। इसे बोर्ड कंप्लीट हो गई है और हथौड़ी भी फेंक दिए, मैं आपको बताया था ना कि भाई साहब बहुत गुस्से करते हैं। और देख लीजिए चाचा जी को, और ये मेरे भाई काम कम करते हैं, खैनी ज़्यादा खाते हैं। और ये लिफ्ट है जो ऊपर नीचे आना जाना करते हैं, पैसेंजर जो हमारे लेबर हैं उन्हें ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि 40-50 मंजिल ऊपर जाना पैडल बहुत कठिन है, इसलिए लिफ्ट दिया गया कंपनी की तरफ से।